देखिए दोस्तों, जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं सब माता बहनों को। आज मैं जितिया के लिए देखिए मड़ुआ का आटा बनाऊंगी। तो मड़ुआ का आटा हम लेंगे दो कटोरी लेकर के इसको छान लेना है। छान लेंगे और इधर मैं चाय बना रही हूँ पीने के लिए, और इधर मड़ुआ गूंदने के लिए दो कटोरी मड़ुआ है तो दो कटोरी ही पानी हम डाले हैं। अब ये खोल जाएगा तो इसी में मड़ुआ का आटा हम मिला देंगे। आज बनाएंगे टमाटर का चटनी, कंदा, आलू, झींगी, सतपुती व झींगी, पटल और नौनी का साग। देखिए मेरे गमले में हुआ था नौनी का साग, इसको हम सब्जी में ही डालेंगे और थोड़ा सा मड़ुआ का, कितना अच्छा से तैयार हुआ है इसका रोटी, बहुत ही बढ़िया बनेगा। अगर एक कप आटा है तो एक ही कप पानी लगेगा, और पानी को खौला लीजिए, उसमें आटा डाल करके इसको मिला दीजिए और उसको छोड़ दीजिए 10 मिनट। उसके बाद अच्छे से हाथ से इसको मलिए, आटा तैयार हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा आटा तैयार हो गया है। अब इसका रोटी बहुत ही टेस्टी होगा, इसमें भरपूर कैल्शियम है, बच्चों को बड़ों को सबको खाना चाहिए, हड्डी मजबूत होता है। तो मड़ुआ का आटा ज़रूर खाएं, पूजा के बहाने से, व्रत के बहाने से खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर खाएं। देखिए मड़ुआ की रोटी कितने अच्छे बन करके फूले फूले बन रहे हैं। इसका पराठा, पूड़ी, कुछ भी बन सकता है। देखिए पराठा भी बेल करके रखे हैं, रोटी, एकदम खास्ता बन करके तैयार होता है इसका ठेकुआ। आज का नहाए खाए का थाली हम तैयार कर लिए। तो देखिए 5 सब्जी मिला करके हम इसको बना लिए हैं। झींगी है, आलू है, टमाटर है, बीन है, पटल है, और इसके साथ पूड़ी और पुआ, मड़ुआ की रोटी। ये नियम है, इसलिए हम सारे बना करके तैयार किए हैं। अब देखिए ये पूर्ण थाली तैयार हो गया है। ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगर